हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित वर्मा और आज के लेक्चर में हम करेंगे बैलेंसिंग ऑफ सिक्स सिलेंडर फोर स्ट्रोक इंजन। ओके, तो ये टॉपिक यहां पर आज कवर होगा। ठीक है, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जो है इंजीनियरिंग ट्यूटर। ओके, तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था फोर सिलेंडर फोर स्ट्रोक इंजन, उसमें सेकेंडरी फोर्सेस की कुछ वैल्यू हमारी रह गई थी, मतलब वो जीरो नहीं आ रही थी, जिसकी वैल्यू थी 4 mr² / n cos 2θ। ठीक है, बाकी हमारा प्राइमरी कपल, प्राइमरी फोर्सेस और सेकेंडरी कपल, हमारा ये क्या था, प्राइमरी फोर्सेस, प्राइमरी कपल और सेकेंडरी कपल, ये वैल्यू जीरो आ रही थी, तीन वैल्यू, क्योंकि हमें चारों चीजें क्या करनी होती है, जीरो करनी होती है। ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। तो आज के लेक्चर में हम सिक्स सिलेंडर पढ़ेंगे। सिक्स सिलेंडर पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं, छह सिलेंडर है ये, मैंने आपको बता दिया था कि जो ये फायरिंग ऑर्डर होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस इंजन को या इस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो फायरिंग ऑर्डर है, हम आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, ये जो प्राइमरी फोर्सेस की वैल्यू जीरो नहीं आएंगी, तो एक पर्टिकुलर हमें फायरिंग ऑर्डर लेना होता है जिसमें हमारी ये जो वैल्यूज हैं अनबैलेंस फोर्सेस की, ठीक है, ये जीरो आ जाए, मिनिमाइज करना है हमने। ये तो मैंने बैलेंसिंग करने से पहले ही आपको बताया था, ठीक है, जब हमने बैलेंसिंग का टॉपिक स्टार्ट किया था। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले बनाता हूं मैं कि क्या इसका तरीका होगा हमें बनाने का। देखो, जब आपको भी कोई ये पूछे, आपको भी अगर ये स्टार्ट करना है टॉपिक, तो इसी तरीके से स्टार्ट करें कैसे हमने इसको बनाना है। देखो, इसमें जो छह सिलेंडर होंगे, ठीक है, उनकी जो दो सिले आपस में जो क्रैंक्स होंगी, ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है। ओके, तो इनकी जो क्रैंक्स होंगी वो कितने एंगल पे होंगी, 120 डिग्री पे। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा यहां पर होगा। इनका आपस में तीनों का एंगल कितना है, 120 डिग्री। ठीक है, अब देखो कैसे हमें फायरिंग ऑर्डर लेना है। पहला और छठा इंजन, ठीक है, उसका जो क्रैंक है कितने पे होगा, 120 डिग्री पे होगा। यहां पर कौन सा होगा, दूसरा और पांचवा 120 डिग्री पे, और यहां पर कौन सा होगा, तीसरा और चौथा। ये हमारा फायरिंग ऑर्डर होगा, मतलब जो क्रैंक्स होंगी पहले और छठे की, दूसरे और पांचवे की, वो कितने एंगल पे होगी, 120 डिग्री पे होगी। दूसरे पांचवे की और तीसरे चौथे में हमेशा कितना एंगल बना रहेगा क्रैंक में, 120 डिग्री। इसी तरह से इन दोनों में, ठीक है। और फोर स्ट्रोक इंजन है ये, फोर स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, ये आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, कि क्रैंक जो है, दो रेवोल्यूशन क्रैंक का, साइकिल कैसे कंप्लीट होती है, क्रैंक की क्या होते हैं, दो रेवोल्यूशन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, और क्रैंक हमारी कितने एंगल पे है, मैं बता ही चुका हूं, 120 डिग्री पे है। देखो, इसको बनाने का तरीका कैसे है, सिलेंडर, इसको हम इंजन को कैसे कैसे इन सिलेंडर्स को दिखा सकते हैं। देखो, पहला सिलेंडर, पहला देखो 0 डिग्री पे है, ये तो एंगल कुछ भी नहीं है, तो पहला बनाते हैं हम इस तरीके से, कैसे, बिल्कुल सीधा, और यहां पर डिनोट करते हैं एक। ठीक है, उसके बाद पहला हो गया, पहले के बाद बनाते हैं दूसरा, दूसरे का कितना एंगल है, 120 डिग्री, तो 120 डिग्री कैसे बनेगा, ये दूसरा बनेगा जो कि 120 डिग्री, और एंगल हम कहां से लेते हैं, हमेशा इधर से लेते हैं। ठीक है, और ये एंगल तो देखो 0 डिग्री पे है। ठीक है, और देखते हैं तीसरा, तीसरा कितने पे है, अब यहां से देखेंगे एंगल 240 पे होगा, इस एक्सिस से देखते हैं, तो वो तीसरे की वैल्यू हम क्या लेंगे, 240, तो तीसरा बना देते हैं हम। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो गया, 240 डिग्री, ये आ गया हमारे तीसरे की बात आ गई। ठीक है, ये मैं आपको साथ साथ बनाना भी सिखा रहा हूं कैसे बनता है ये। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब ये तीन की बात होगी, फिर से अब दोबारा से शुरू करते हैं। जो अब
अब ये यहां पर किसकी बात करेंगे, सिक्स की, ठीक है, सिक्स, और यहां पर कौन सा है, फिफ्थ है, और यहां क्या है, फोर्थ है, यानी कि हमारे पास चार पांच और छह रह गए हैं। चार, अब देखो चार कहां पर आएगा, चार का भी एंगल कितने पे, तीन और चार का सेम एंगल है 240, तो चार को भी हम कितने पे बनाएंगे, 240 पे बनाएंगे, ठीक है, ये कौन सा होगा, चार का होगा। पांचवा देखो, पांचवा कितने पे है, एंगल कितना है उसको, पांचवे का यहां से 120 डिग्री है, तो पांचवा किससे पे बनाएंगे हम, 120 डिग्री पे बनाएंगे, बना देते हैं उसको भी, ठीक है, ये क्या आएगा हमारा पांचवा। और छठा कितने पे है, ये तो इसी एक्सिस पे है, तो एंगल कितना है, जीरो है, ठीक है, तो उसको क्या बनाएंगे हम यहां पर, अगर सिक्स बनाए, ठीक है, ये सिक्स होगा, ठीक है। और सभी सिलेंडर के लिए हमने जो मास एम लिया है, आर क्या लिया है इसका, जो इसका डिस्टेंस है, जितने पे मास लग रहा है, यहां पर कुछ मास लग रहा होगा और कुछ रेडियस होगा, तो सबके लिए सेम है, ठीक है, और ये ओमेगा स्पीड से क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए अब करना क्या है, हमें इसका क्या बनाना पड़ेगा, फोर्स पॉलीगन और कपल पॉलीगन हमें इसका बनाना पड़ेगा। देखो यार ये चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो डिस्टेंस है आपस में इन सभी का कितना है, एल है, इसका भी एल है, इन दोनों के बीच का भी एल है, इन दोनों के बीच का भी कितना है, एल है, तो ये कितना हो जाएगा, पूरा एल है ना, तीसरे और चौथे के बीच में कितना डिस्टेंस है, एल है, तो ये एल बाय टू हो जाएगा, ये एल बाय टू। फोर्थ और फिफ्थ में कितना है, मान लेते हैं एल है, और फिफ्थ और सिक्स में भी कितना है, एल है, कोई दिक्कत नहीं, चलो आराम से करते हैं, थोड़ा सा 5 मिनट ज्यादा लग जाए लेकिन समझ आना चाहिए, मेन मोटिव मेरा यही है, ठीक है। तो देखो पहले के लिए फोर्स बनाते हैं हम, किसकी बात बना रहे हैं, और ये हम किसकी पोजीशंस ली है, हमने ये ली है जो हम बनाते हैं प्राइमरी फोर्सेस को, तो प्राइमरी क्रैंक्स की हमने क्या ली है, ये पोजीशन ली है, ये पोजीशन जो ली है प्राइमरी क्रैंक्स की। सेकेंडरी में क्या करते हैं, जस्ट एंगल क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, वहां पर एंगल कितना लेते हैं हम, 2 थीटा लेते हैं, या कह सकते हैं डबल फ्रीक्वेंसी से मूव करता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर एंगल जो सेकेंडरी फोर्स में एंगल कितना होता है, कोस 2 थीटा होता है, तो वहां पर हम एंगल सभी जो पहले को क्या लेंगे, ठीक है, पहले का तो 0 ही आ गया, इसका दूसरे का क्या लेंगे, जो यहां पर 120 था वो 240 लेंगे, पांचवे का भी 240 लेंगे, तीसरे का जो यहां पर कितना है 240, वहां कितना लेंगे 480, 480 को हम क्या लिख सकते हैं, एक तरह से 120 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 480 बना कैसे होगा, पहले तो एक चक्कर काट लिया होगा उसने यहां तक, 360 और 120 और, ठीक है, देखो उसको करेंगे लेकिन ये चीज समझ आनी चाहिए थी, ठीक है। अब देखो हमने क्या निकालना है, फोर्स पॉलीगन निकालना है इसका। फोर्स पॉलीगन क्या होगा, देखो पहला फोर्स किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स किधर की साइड लगेगा, पहले वाले की इधर की साइड लगेगी, इसके ऊपर फर्स्ट बना दो। दूसरा किस डायरेक्शन में लग रहा है, इधर की साइड, तो फोर्स भी किधर की साइड लगेगी, इधर की साइड लगेगी, ठीक है। और तीसरा किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। और जब भी ये जो बनता है डायग्राम, अगर ये क्लोज्ड हो जाए, तो इसका मतलब क्या होता है, नेट फोर्स क्या हो जा रहा है आपका, जीरो हो जा रहा है, ये आपको याद रखनी है, नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये दूसरे का था, ये तीसरे का केस आ गया। अभी अगर आपसे कोई पूछे चौथे का केस क्या होगा, चौथा किधर से होगा, तीसरे के बाद क्या आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, तीसरे के बाद क्या आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, तो हमने ये फोर्थ का बना दिया फोर्स। और सेम फोर्स जो वैल्यू होगी इस लेंथ की सेम रहेगी, क्यों रहेगी सेम, सेम फोर्स लग रहा है प्राइमरी, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा फोर्थ ये हो गया, फिफ्थ किधर की साइड लग रहा है, देखो आप ये फिफ्थ इधर की साइड है, तो ये फोर्स किधर की साइड लग रहा है, ऊपर की साइड, ये तो आपको पता ही लग रहा होगा ना, सिलेंडर की बाहर की साइड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, सब फोर्सेस बाहर की साइड लग रहे हैं, अब ये मत पूछना यार, पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूं, ठीक है। फिफ्थ किधर की साइड लगा, फोर के बाद क्या आ रहा, फाइव आ रहा है, तो फिफ्थ हमने इधर की साइड लगा दिया। सिक्स किधर की साइड लगेगा, वो लगेगा इधर की साइड, ठीक है, तो फिफ्थ के बाद हमने क्या लगा दिया, सिक्स लगा दिया। तो देखो ये जो पॉलीगन बन रहा है हमारा, ये क्या बन रहे हैं, क्लोज बन रहा है, ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं ये इंजन क्या है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है,
ठीक है, ये फोर्सेस क्या है, जब ये पॉलीगन हमारा क्लोज बन जाता है, ये क्या है, फोर्स पॉलीगन। और किसकी बात कर रहे हैं, प्राइमरी केस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, प्राइमरी क्रैंक्स को जब हमने कंसीडर करा, प्राइमरी फोर्सेस को जब हम निकाल रहे हैं, तो प्राइमरी फोर्स कह सकते हैं, जो प्राइमरी फोर्स आया ये क्या आ गया, नेट प्राइमरी फोर्स जीरो आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरीके से प्राइमरी का हम कपल निकालने के चेकिंग करें क्या होगा, देखो फोर्सेस की डायरेक्शन हमेशा बाहर की साइड लेनी है आपने, ठीक है। एक हम एक काम करते हैं, यहां पर एक रेफरेंस प्लेन मानते हैं जो कि हमने बिल्कुल सेंटर पे लिया है यहां पर, ठीक है, और फायरिंग ऑर्डर हमने इस हिसाब का लिया है, देखना आप सभी फोर्सेस, ये मैं आपको पहले ही बता दूंगा करने से पहले, सभी वैल्यू जीरो होंगी, तो हमने इस टाइप का फायरिंग ऑर्डर लेना है, ठीक है। इस तरीके से हमें क्रैंक्स को लगाना है, प्राइमरी क्रैंक्स को और सेकेंडरी क्रैंक्स को इस तरीके से लगाना है, जिसमें पहली छठी इधर होगी, दूसरी पांचवी इधर होगी, तीसरी चौथी इधर होगी, और आपस में इनका एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा, ठीक है। तो देखो कपल की बात करें, कैसे होगा कपल बनाने के लिए, क्या तरीका है इसका, क्या होगा, फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट देखो, फर्स्ट इधर की साइड फोर्स लग रहा है, और देखो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, पहले ही मैं बता दूं, क्लॉकवाइज को ना पॉजिटिव मान के चलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, या उसकी डायरेक्शन को हम देखते हैं, देखो एक पॉजिटिव मान के चलेंगे, ठीक है। देखो ये पॉइंट के अबाउट हमने क्या निकालना है, मोमेंट निकालना है, क्या निकालना है, इस पॉइंट के अबाउट हमने मोमेंट निकालना है, ठीक है। देखो यार अब क्या करना है, हमने मोमेंट निकालते हैं, पहले वाले के लिए देखते हैं, देखो इस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे, और ये कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा पहले की बात करें, और डिस्टेंस कितना होगा, ये एल एल और एल बाय टू, 5L/2 कितना होगा, 5L/2, और फोर्स कितना लग रहा है, mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो वैल्यू आएगी इस तरीके से आएगी, जिसकी वैल्यू क्या है, हमने वन से कपल डायग्राम बना रहे हैं, हम कौन सा डायग्राम बना रहे हैं, कपल डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट की बात करी, अगर हम सिक्स्थ की बात करें, सिक्स्थ की बात यहां पर करें, इसको बैलेंस भी तो करना है ना, मेरा मेन मोटिव, मेरे को क्यों आइडिया हुआ, क्योंकि वन को ना सिक्स ही बैलेंस करेगा, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है, ठीक है। अब देखो ये वाला कैसे घूम रहा है, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है और इसके अबाउट आप मोमेंट लीजिए, ट्राई करिए, नहीं प्रॉब्लम आई तो इसको मैं घुमा देता हूँ, फिगर को यहां से लेते हैं, और ये वाला फोर्स कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, कैसे घुमा रहा है इसको, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो ये अगर हमने इधर की साइड लिया तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए तो भाई अपोजिट ही लेना होगा, तो ये क्या होगा, पहले को तो छठे ने बैलेंस कर दिया, इसी तरीके से दूसरे को, ठीक है। पहले के बाद क्या आया, हमारा दूसरा आया, तो पहले के बाद क्या लगेगा, हमारा दूसरा लगेगा, करते हैं उसको, दूसरे का कितना फोर्स होगा, अगर हम यहां से इसके अबाउट निकालें, फोर्स इधर की साइड लग रहा है, तो ये कैसा लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है ना, तो चलो देखते हैं, पहले को और छठे का यहां बनाया हमने, ठीक है, तो ये क्या बनाया हमने, दूसरे की वैल्यू ली, और दूसरे को कौन बैलेंस करेगा, क्योंकि दूसरे जितना है, दूसरा जितना है उतनी दूर पे कितना है, पांचवा है, तो मेरे को दिख रहा है कि अगर ये दूसरा, इसको बैलेंस कौन करेगा, पांचवा करेगा, और इसके अबाउट आप लेंगे तो ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो अगर ये वाला एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा, तो क्लॉकवाइज क्या होगा, इसके अपोजिट होगा, पांचवा, ठीक है, बड़ा सिंपल है, ठीक है। देख लो ये वाला अगर दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा, तो ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज निकालने की डायरेक्शन मैं बार बार बता रहा हूं, यहां पर अपना थंब रखिए और उसको घुमाने की कोशिश करिए, ठीक है। अब क्या रह गया हमारा, थर्ड रह गया और फोर्थ रह गया, ठीक है, थर्ड को देखते हैं, थर्ड कैसे घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, और फोर्थ कैसे घूमेगा, ये क्लॉकवाइज, चेक कर सकते हैं आप, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा और ये क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो इसकी डायरेक्शन भी, दो के बाद क्या आ रहा था, तीसरा आ रहा था, दो के बाद क्या लगाया हमने, तीसरा लगाया, तीसरा, तीसरे को कौन बैलेंस कर रहा है, फोर्थ बैलेंस कर रहा है, और मैग्नीट्यूड भी तीसरे और चौथे का क्यों सेम है, आपसे कोई पूछे, क्योंकि यार इसका जो डिस्टेंस है, फोर्स तो देखो सेम थी, डिस्टेंस दोनों का तीसरे और चौथे का इस पॉइंट से सेम है, दूसरे और पांचवे को ही क्यों बैलेंस कर रहा है, क्योंकि फोर्स तो सेम थी और डिस्टेंस भी सेम है, 3L/2, पहले को छठा क्यों बैलेंस कर रहा है, क्योंकि फोर्स तो सेम है, mr ओमेगा स्क्वायर, और
डिस्टेंस कितना है दोनों का, 5L/2। 5L/2 आपको पता लग रहा होगा, एल एल और एल बाय टू, तो 5L/2, 2.5L भी बोल सकते हैं, 2.5L। तो देखो तीसरे को चौथे ने बैलेंस कर दिया, दूसरे को पांचवें ने और पहले को छठे ने बैलेंस कर दिया। नेट कपल भी क्या आ गया, प्राइमरी नेट प्राइमरी कपल। और ये इसरो के इंटरव्यू में कई बार पूछा गया है, आपसे इस तरह का लाइन डायग्राम बनवाएंगे, कहेंगे बैलेंस करो यार, इसका फायरिंग ऑर्डर बताओ, और कुछ भी फायरिंग ऑर्डर दे सकते हैं वो, जरूरी नहीं आप यही रट के जाएं, पहले के साथ चौथा भी ऐड कर सकते हैं, तो फिर आपका कुछ ना कुछ ये जो फोर्स है या कपल डायग्राम जीरो नहीं आएगा। तो आप ये वाला डायग्राम भी याद रखें, और कोई भी तरीके से आप कोई भी डायग्राम बना सकते हैं, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। तो देखो ये था हमारा प्राइमरी केस का, अब जल्दी से देख लेते हैं सेकेंडरी का। देखो ये मैं आपको बता चुका हूं, अगर पहला छठा, तो देखो अगर प्राइमरी वाले केस में जो एंगल थीटा था वो एंगल कितना हो जाता है, 2 थीटा हो जाता है। तो देखो प्राइमरी का बना देता हूं, साथ में वो डायग्राम बना देता हूं मैं सेकेंडरी का। देखो प्राइमरी वाले केस में क्या था, पहला और छठा इधर था, दूसरा और पांचवा इधर था, और तीसरा और चौथा, आपस में सबका एंगल कितना है, 120 120 120। ठीक है, ठीक है, ये प्राइमरी वाला केस था। अब हमें क्या करना है, पहले वाले को कंसीडर करेंगे। अभी इसका एंगल तो जीरो था, तो अभी भी जीरो ही रहेगा, इसको मान लेते हैं सेकेंडरी में बना रहे हैं हम इसको। देखो कितना इंटरेस्टिंग है और कितना आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा बनाने में। पहले वाले को तो ऐसे ही बनाते हैं 1.6। दूसरे वाले को क्या करना पड़ेगा, अब इसका एंगल कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, तो वो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, दूसरा और पांचवा। ये हम किसकी बना रहे, सेकेंडरी क्रैंक एनालिसिस। एनालिसिस वर्ड अच्छा होता है, ठीक है, काफी टेक्निकल सा नाम लगता है ये भी, ठीक है। और देखो दूसरा और पांचवा हो गया, अभी तीसरा और चौथा ऑलरेडी कितने एंगल पे है, यहां से देखते हैं, और हमेशा एंगल 240 पे है। अब ये 240 का कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। अब 480 को तो हम कोई एंगल यहां पर नहीं दिखा सकते, क्योंकि पूरा 360 होता है, तो इसमें हम एक 360 घटा देते हैं। कैसे, 480 बनाना है हमने, पहले एक 360 बनाए और 120 और बनाए, तो यानी के ये जो तीसरा चौथा है यहां आ गया घूम के सेकेंडरी वाले केस में। क्लियर, अभी भी इनका एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री। था इंटरेस्टिंग काफी, ठीक है। अभी भी अगर प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यार, ठीक है। देखो अभी हमने ये डायग्राम बना देता हूं मैं, फिर आप खुद करके देखना यार उसको कैसे है, उसको जीरो जैसे हमने प्राइमरी में केस में करा उसी तरह मैं इसका डायग्राम जरूर बना देता हूं आपको, ताकि आपको दिक्कत ना आए। पहले को इस तरह से बनाना है, और इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा पक्का है, अगर आपने गलती से टॉम बता दिया तो ये बैलेंसिंग पे जरूर आएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रियल वर्ल्ड में भी, ठीक है। देखो पहले वाले की बात करें, पहले ही ऑलरेडी सेकेंडरी का, अभी हमें डायग्राम किसको एनालिसिस करना, इसका एनालिसिस करना है, ठीक है। देखो पहला किस पे है, पहला बनाया, फिर हम पहले के बाद तो दूसरा ही आएगा, दूसरा ऑलरेडी कितने पे है, 240 पे है। अब आपको समझ भी आ रहा होगा कि बनता कैसे है ये, देख लो पहले के बाद दूसरा आया, दूसरे के बाद कितना आएगा, तीसरा आएगा, तीसरा आप देखो क्योंकि इंजन की पोजीशन थोड़ा चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब आप कहोगे यहां तीसरा क्यों नहीं लिखा यार, क्योंकि यहां तीसरा, ऐसा नहीं, इंजन तो वहीं रहेगा अपना, क्रैंक की पोजीशन ही तो चेंज हो रही है, ठीक है। अब दूसरे के बाद क्या आएगा, तीसरा आएगा, तीसरा 120 पे है, तो 120 पे कैसे लिखेंगे, ऐसे बनाएंगे, और ये तीसरा आ गया, ठीक है। ये आपको समझ आ रहा होगा ना कैसे एंगल है, ये एंगल हम कहां से ले रहे हैं, यहां से ले रहे हैं, ये एंगल कितना होगा 120 डिग्री, और ये एंगल कितना है 0 डिग्री, क्योंकि सिलेंडर इसी लाइन पे है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछता है यार चौथा बनाओ, चौथा भी देखो कितने पे है, 120 डिग्री पे है, बना दो इसको भी,
ये फोर्थ आ गया हमारा। फिफ्थ आपसे कोई पूछे कितने पे है, 240 पे है, 240 पे बना दो इसको भी। और सिक्स्थ कितने पे है, 0 डिग्री पे है, तो इसको हम ठीक है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। इसका एंगल कितना है, 240 डिग्री। इसका एंगल कितना बनाया हमने, 120 डिग्री। ठीक है, जो ही हमने यहां बनाया। ठीक है, तो देखो अब हमने ये डायग्राम बना दिया। अब ये आपका होमवर्क है। जैसे प्राइमरी वाले केस में मैंने जो जीरो करा था कपल, ऐसा ही सेम इस तरह का इसमें क्या बनेगा, फोर्स पॉलीगन बनेगा। ठीक है, इस तरीके का इसमें फोर्स पॉलीगन बनेगा जो कि दोनों क्लोज्ड आएंगे। तो नेट सेकेंडरी कपल फोर्स क्या आएगा, नेट सेकेंडरी फोर्स क्या आएगा, जीरो आएगा, सेम जो हमने अभी प्राइमरी वाले केस में करा था। ठीक है, देखो इसका फोर्स ऐसे आएगा। ठीक है, तो दूसरे वाले का फोर्स, अगर पहले वाले का फोर्स ऐसे आ रहा है तो दूसरे वाले का फोर्स ऐसे आ रहा है, तीसरे वाले का फोर्स ऐसे आ रहा है, देख लो। ठीक है, फिर चौथे वाले का फोर्स कैसे आ रहा है, ये पहला दूसरा तीसरा, मैं जल्दी से बना दे रहा हूं, वैसे आप खुद करें इसको। फोर्थ वाले का फोर्स ऊपर की साइड लग रहा है, पांचवे का किधर लग रहा है, इधर की साइड लग रहा है, और छठे का कैसे लग रहा है, इधर की साइड लग रहा है। देखो 2 मिनट नहीं लगी बनाने में इसको, हार्डली इसमें 10 सेकेंड लगे, तो समझाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है ना पहला। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ आए तो विद इन 10 सेकेंड में आप इसको बना देंगे इसका डायग्राम, और आप यहां से शो भी कर देंगे कि देखो यार ये तो जीरो आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट। इसी तरह से आप कपल डायग्राम बना सकते हैं। कपल कैसे बनाएंगे, उसके लिए कपल डायग्राम बनाना होता है, सेकेंडरी कपल डायग्राम, जब क्योंकि हमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम में ये हम सब चीज पढ़ चुके हैं पहले ही, क्योंकि उसके लिए हमें एक रेफरेंस प्लेन मानना होता है। ठीक है, उसके अबाउट हमें इस पॉइंट के अबाउट सारे मोमेंट लेने होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए नेट सेकेंडरी कपल भी क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, पहले वाले को छठा बैलेंस कर देगा, दूसरे वाले को पांचवा बैलेंस कर देगा, और तीसरे वाले को चौथा बैलेंस कर देगा। ठीक है, और ये डिस्टेंस सबके बारे में बता देता हूं, ये एल है, पहले हर सिलेंडर के बीच में डिस्टेंस एल है, ये भी डिस्टेंस एल है, ये भी डिस्टेंस पूरा एल है, लेकिन हाफ एंगल बीच में लिया है हमने, तो ये एल बाय टू, और ये भी कितना होगा, एल बाय टू, और ये कितना है, ये भी एल है, और ये भी दोनों के बीच में सिलेंडर के बीच में डिस्टेंस कितना है, एल है। ठीक है, पहले को छठा बैलेंस कर देगा, दूसरे को पांचवा, और तीसरे को चौथा, तो वो भी क्या हो गया, जीरो आ गया। तो सिलेंडर क्या है, इस अरेंजमेंट में, जो इस फायरिंग ऑर्डर में क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है, क्या है, बैलेंस्ड है। तो काफी इंटरेस्टिंग था अगर ये टॉपिक आपको इसका पहले से, अगर इसके अगर जब आप मेरा पिछले लेक्चर नहीं देखेंगे तो ये लेक्चर थोड़ा कम ही समझ आएगा आपको, तो इसके लिए आप पहला लेक्चर देखें, मेरे प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएंगे। ठीक है, पुराने लेक्चर इसमें, ठीक है, और फिर आप ये लेक्चर देखें तो काफी इंटरेस्टिंग आपको लगेगा ये। तो यहां से हमने इसकी थियरी कंप्लीट कर दी बैलेंसिंग की। नेक्स्ट लेक्चर में हम ईएस में, क्योंकि ईएस का ये फेवरेट टॉपिक है, ठीक है, उसमें 3-4 क्वेश्चन आते ही है, 2017 में भी, 2018 में भी आए हैं। ठीक है, उसमें मैं कम से कम 15-20 क्वेश्चन कराऊंगा ईएस के, अलग अलग सालों में आए हुए। ठीक है, तो एक दो लेक्चर में उसको भी करें, क्योंकि हमने इतनी थ्योरी पढ़ ली है तो इसकी एप्लीकेशन करनी आनी चाहिए, तभी तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ठीक है, हम अगर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद।